हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली गाइस, बहुत दिनों बाद मैं आज निकल चुका हूँ अपने, और देख सकते हो गाइस इधर कल एक्सीडेंट हुआ था तो पूरे गाड़ी इधर घसड़ के ले गया था, ये देख सकते हो मैं आपको देख रहे हो। तो फाइनली गाइस, मैं बहुत दिनों बाद अपना जो ब्लैक बुलो उसको निकालूँ एंड इसका जो मॉडिफिकेशन है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। आज मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ अपने दोस्त के शॉप में और वहाँ जाके इसको हम बहुत ही मॉडिफिकेशन कराएंगे और इसको अपना टूरिंग बाइक बनाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना मतलब टूरिंग सेटअप बनाने का कोशिश करूँगा। और आज इसको सारा देखे आऊँगा और अभी टाइम हो रहा है 10:50। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बफी ब्लॉग। तो फाइनली बहुत दिनों बाद, तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि जैसे आप लोगों को क्या ही बताऊं, जो मेरा वीडियो वगैरह है वो बहुत कम आने लगा है चैनल पे। तो एंड अब ऐसा हो गया कि बहुत दिनों से मैं कहीं गया भी नहीं हूँ ज़्यादा, अभी मतलब बहुत सारा प्लान हो रहा है तो कि ऑफ कैमरा हो रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण से मैं और ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो फाइनली आज जाके वो मौका मिल गया, तो आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक को मॉडिफिकेशन कराने और देखते हैं इसको फुल टूरिंग बाइक बनाने का मैंने सोचा है और इसको लेके जाएंगे हम, जी हाँ सिक्किम जाएंगे। अभी चल रहा है नवंबर का मंथ, तो हम जनवरी के फर्स्ट या लास्ट में हम लोग जा सकते हैं सिक्किम राइड के लिए, तो वही सीन है। तो अभी हम चलते हैं और भाई आ रहे हैं, मैं आज ये बाइक जो अपना है इसको मैं वहाँ दे दूँगा दोस्त के शॉप में और मैं आऊँगा उधर भाई के बाइक में। तो भाई पीछे आ रहा है अपना बाइक लेके बैटमैन, जो कि क्योंकि उसका भी थोड़ा सर्विसिंग बाकी है तो सर्विसिंग कराएगा, मैं दे दूँगा अपना बाइक अपने दोस्त के शॉप में। बस वही कुछ सीन है। और गाइस, अपना जो वीडियो जो अपना चैनल का जो रीच है वो बहुत ही डाउन जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो व्यूज बहुत कम आ रहा है एंड काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो। ओ भाई साहब, ये क्या था ये भाई साहब, कुछ भी यार, चलो कोई ना, होते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, ऐसे छोटे छोटे कांडे होते रहते हैं, तो कोई ना। तो मैं क्या बोल रहा था, तो हाँ जैसे कि आप जो देख सकते हो मेरे YouTube का जो चैनल का जो रीच है वो बहुत डाउन जा रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद मतलब वन के बाद ही कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, तो जिसके कारण से मेरा जो चैनल है और जिसका रीच है वो बहुत ही डाउन जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं सप्ताह में 2-3 वीडियो में हर ब्लॉग में, जैसे आप लोगों को बताया कि सप्ताह में 2-3 ब्लॉग आएंगे लेकिन वो नहीं आ रहे, तो अब मैं पूरा कोशिश करूँगा, अब मैं ठान लूँगा कि भाई साहब वीडियो मुझे कैसे भी करके 3 ब्लॉग डालना ही वीक में, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगा पूरा आप लोगों को वीडियो देने के लिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जिसके पास भी अपाचे बाइक है अपाचे 200, ठीक है, तो आप कैसे टूरिंग बाइक मतलब टूरिंग सेटअप कर सकते हो एंड उसमें क्या क्या लग सकता है आपके बाइक में, तो वही सब कुछ आप लोगों को पूरा डिटेल दिखा दूंगा मैं बनने के बाद, क्योंकि मैं आज दूंगा तो मेरे को दे देगा 2-3 दिन बाद। तो और मेरे पास बहुत सारे ऐसे एसेसरीज हैं जो भाई के बैग पे हैं, तो मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखा दूंगा क्या क्या है मेरे पास एसेसरीज इस बाइक में लगाने के लिए। तो चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है, ठीक। अरे बाबा जी, थोड़ा साइड है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, तो इसको लगाते हैं हम साइड में और तो फाइनली घुसड़ देते हैं इधर साइड में। ये लो जी, तो इसके साथ में हम पहुंच गए और भाई भी पहुंच गया, ठीक है। अब दिखाता हूँ क्या क्या लाया हूँ मैं मॉडिफिकेशन के लिए, बैग जैसे देख रहा हूँ भाई के पास है,
तो थोड़ा सा आने दीजिए और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हमने कुछ खजाना लेके आया इस बैग में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो खोलते हैं, सबसे पहले हमारे पास है ये वाइजर, ठीक है, खोल। ये वाइजर है और ये देख रहे हो, हर निकाल के दिखा दे रहा है ना तेरे को। और ये फ्लासर है, और उसको क्या बोलते हैं, इसको उसको क्या बोलता है, ना ना वो ये हैंड गार्ड वही तो। अरे ये वो बस सोख ले। तो हमारे पास एक फ्लासर और ये वाइजर हमने ले लिया है, जो अपने पुराने अगर वीडियो में देख सकते थे तो हम मैंने लगाया था जो टूट गया। तो और हमारे पास ये है एक, ठीक है, और ये पीछे लगाने के लिए अपना जो पीछे लगता है ना ये साइड में, तो ये है कुछ। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसको देते हैं, ये लो ये दे दो मेरे को, ठीक है। और इसको साइड में रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, संभाल गए, इलेक्ट्रिक वाला सामान है ना। और भाई को वहाँ बाइक में देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ लग रहा है आगे, वाइजर छोटा वाला वाइजर। डाउन देने से तो ये गैपिंग ज़्यादा है, तो क्या फ़ायदा हुआ है? छेद छेद करना पड़ता है क्या? हाँ छेद करना पड़ता है। ओह तो देखते हैं अब, इनको छेद करना पड़ता है, उसके बाद हम लगा एनएस में, मतलब बैटमैन। तो अपना ब्लैक ब्लैक होल भी बहुत जल्द रेडी हो के आ जाएगा, तो बस सेट यून। और कितना टाइम लगता है देखते हैं। और भाई सब बहुत ही जहर होने वाला ये वीडियो, मतलब जब ये बाइक रेडी होके आने तो बहुत ही कतई जहर दिखने वाला। तो भाई सब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नहीं किया तो अभी तक। भाई पे आज सभी हम लोग आ चुके हैं बाइक सर्विस सेंटर में, मतलब भाई की बाइक जहाँ पे सर्विस करा हुआ है हम लोग पहुँच गए हैं। और उधर अंदर देख सकते हो, इधर तो अंदर हो रहा है सर्विस, तो यहाँ सब सर्विस हो जाता है, उसके बाद सर्विस करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। फाइनली 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 हम लोग का बाइक जो है रेडी होके आ चुका है, और देख सकते हो पूरा वॉशिंग होके भी आ चुका है। अभी देखते हैं इसका कॉस्ट कितना है। और भाई साहब क्या ही चकाचक लग रहा है, देख रहे हो, मस्त लग रहा है। तो अभी इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं इसका कॉस्ट कितना है सर्विस का, भाई साहब। और ये देखो भाई, जो है जो सर्विसिंग हो चुका है अपना एन एस 206 मोटर, और इसका जो सर्विसिंग का कॉस्ट आया तो वो आया है 940 बस ओनली, जिसे आपने थंबनेल में देख लिया और इसका कॉस्ट का जो लिख है मैंने दे दिया था। अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, और मैं अपना बाइक जैसे भी कि बोल रहा था आप लोगों की कि बॉडी खराब होने दे दिया हूँ, तो वो मैंने अपने दोस्त को सौंपने दे दिया हूँ। और मैं अभी बैठा हूँ बाइक की पीछे, तो गाइस इसलिए मेरे साइड वाला व्यू आ रहा है, नहीं तो अगर मैं इसे करता हूँ तो भाई का यहाँ का कुछ एंगल आ सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय एंड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय 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 बाय। और भाई सब अभी ठंड का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब पीछे बैठ के भी। और इधर हम मोटो ब्लॉग मोटो जॉकी करते हुए, ओ भाई साहब मन काफ़ी लेट हो गया है, तो 12 बजे आए थे और अभी टाइम हो रहा है मतलब 2:48 हो गया, मतलब समझ सकते हो बहुत ज़्यादा लेट है, 3 घंटा इसे ही लग गया अपने सर्विसिंग का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लो, क्योंकि मेरे जो RTR 200 PS4 में बहुत सारा मोटिवेशन का वीडियो आने वाला है, तो कर देना भाई साहब। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।